चाहते बेटे गुलदारो साहब। Thank you.
रिवाज के मुताबिक रिश्ता बेच दे तो शहजादी से शादी पर हमें कोई एतराज ना होता, लेकिन इस तरह जबरदस्ती शादी करना तुर्कमान इलाके पर जबरी कब्जा करने के मुतरादिफ समझते हैं मालिजा। हमें धमकी दे रहे हो तुम गारत होकर। खाली धमकियां तो कमजोर इंसान दिया करते हैं कमांडर नासिर। दौलत बना अजीम सुल्तान अलाउद्दीन के बाद धमकी नहीं देते, घर गुजरते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन के कबाल से तो हम हर रोज ही हालत जंग में होते हैं। कर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब सरहद की खिलाफ वर्जी ना की जाती हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब दोनों तरफ की लश्करियों के दरमियान झड़प ना हो। सही कहा मेरे आले कदर, लेकिन ये भी न भूलेंगे दोनों सल्तनतों के लश्करियों के मामले रोजाना होने वाला ये मामला छोटे से दंगल से ज्यादा कुछ नहीं। मगर ये शादी कोई दंगल या कुश्ती नहीं बल्कि बहुत खौफनाक शय है। यकीनन ये हमारे खिलाफ बाकायदा ऐलानिया जंग है। ऊपर ज्यादा एतमाद महसूस होगा तुम्हें इनमें से किसी की भी तलवार ले लो। सच्चे भाई हैं।
میری عزیز از جان بھتیجی. Thank you.
बादशाह हमारी किस्मतों के बीच आ गया है। पूरा जहां की ताकत है हमें जुदा करने के लिए इकट्ठी हो गई है अलीमा। लेकिन तुम्हारी मुजरिम तो मैं ही हूं। इस फैसले का मुझे इतना दुख है तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने अपने बाबा और भाई के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हाँ सब जानता हूँ, कल रात महल में ही था। मुझे बाबा ने नजीर से शादी करने पर मजबूर कर दिया है। अर्तगाल मैं उससे किसी भी कीमत पर शादी करना नहीं चाहती। आजादी के लिए तुम्हारी मुंतजर हूँ अर्तगाल। अगर ना आ सकूं तो समझना कि अर्तगाल दुनिया से जा चुका है। ये सुनकर मैं जिंदा रहूंगी क्या? सिर्फ तुमसे इश्क किया है और किसी की नहीं होगी कभी, चाहे वो शहंशाह क्यों ना हो। ना तो ये सलजोक सल्तनत के मफाद में होगा, ना ही मेरे और तुम्हारे हक में। अब तुम जाओ जल्दी, अपने कबीले को बदनसल लोगों से बचाओ, मेरी फिक्र मत करो। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। मेरे दिल आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए धड़केगा। Thank you.
قلعے میں آباد ہوتے ہی پردہ دخل کی اور تمہاری شادی ہونی تھی. سوچا تھا بس اب اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں کھلائیں گے. سب ٹھیک ہو جائے گا بابا, اللہ شفا دے گا سلجان کو. یہ برے دن بہت جلد گزریں گے. انشاءاللہ بیٹی, انشاءاللہ. Thank you.
जान से मिलने की जगह चाहता हूँ। जाम हो जाए अगर कोई मसला ना हो तो बेहद खुशी।